पर जन्म लेने वाला प्रत्येक मनुष्य, हम कह देते हैं कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, पर प्रत्येक मनुष्य सनातन भूमि पर जन्मा है, भारत की भूमि पर जन्मा है, वो सभी सनातनी है और सभी एक मूल है। आज की राजनीति जातियों में तोड़ रही है, परंतु जब भगवान देवाधिदेव महादेव ने सृष्टि की रचना करी और अपने शरीर का आधा भाग शिव और पार्वती के रूप में दिखाया, फिर ब्रह्मा जी से कहकर मनुष्य रूप को उत्पन्न करा, तब ब्रह्मा जी ने ये नहीं कहा था कि ब्राह्मण है कि क्षत्रिय की वैश्य की शूद्र है, तब तो ब्रह्मा की औलाद थे, सब ब्रह्मा जी की संतान थे। उसी तरह पृथ्वी पर जन्म लेने वाला प्रत्येक मनुष्य, हम कह देते हैं कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, पर प्रत्येक मनुष्य सनातन भूमि पर जन्मा है, भारत की भूमि पर जन्मा है, वो सभी सनातनी है और सभी एक। ये भेद शुरू से जो चलता आ रहा है, जैसे उन्होंने शंकराचार्य जी ने कहा कि एक व्यवस्था है जिसको बंद करना बड़ा कठिन कार्यक्रम है, वो सत्य कहा उन्होंने, क्योंकि लोगों ने इसमें बांट रखा है और आने वाला जो राजनीतिक समीकरण है वो तो और ज्यादा बांट रहा है कि हम इनसे वोटिंग ज्यादा ले लें, उधर से वोटिंग ज्यादा ले लें, पर हमारा तो इतना सज्जना है कि प्रयासरत रहो कि हम सब सनातनी है, राष्ट्रहित के लिए सब आगे रहें और एक दूसरे के समर्पण भाव में